हेलो आई नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे चैनल लैनोवेज में। और आज का जो वीडियो है बेहद ही खास है, क्योंकि आज ना कोई ये कलेक्शन वीडियो है, ना ही अनबॉक्सिंग वाली वीडियो है, और ना ही किसी ड्रेस को लेके कोई रिव्यू है, और ना ही कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई ये वीडियो है। बल्कि ये वीडियो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे है, जो मैं काफ़ी टाइम से इस पे ये वीडियो बनाना चाहती थी और आप तक पहुँचाना चाहती थी। या मैंने पहले भी सोचा था कि इन फ्यूचर अगर मेरा कोई अपना यूट्यूब चैनल हो तो इस पे मैं अपने इस एक्सपीरियंस को ज़रूर शेयर करूँगी। तो आपने थंबनेल से तो समझ ही लिया होगा कि थंबनेल पे मैंने जो डाला कि श्री लक्ष्मी नारायण ने मेरे और मेरे पति की जान बचाई। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। और सच क्या है, एक चमत्कार है, क्योंकि जिस तरह का जो पिक्चर्स में देख रहे हैं, जिस तरह की मेरी जो गाड़ी की इमेजेस हुई है, वो बिल्कुल एक चमत्कार से कम नहीं कि मैं आज आप सबके सामने हूँ। और मेरे जो हस्बैंड हैं वो भी सही हैं, सुरक्षित हैं, और उन्हें भी एक खरोच नहीं आई, मुझे भी एक खरोच नहीं आई। और जिस तरीके का जो मेरा जो गाड़ी है, आप देख सकते हैं जो कार है, उसकी जो स्थिति है वो बहुत ही ख़राब हो चुकी है, बेहद ही ख़राब हो चुकी है। तो हुआ कुछ यूँ था कि ये बात है मेरी शादी के जस्ट 40 दिन के बाद की, मतलब मेरी शादी अभी जस्ट हुई ही थी। तो अभी हमारी जस्ट शादी हुई ही थी, मतलब मेरी शादी को बहुत टाइम तो अभी हुआ नहीं है। 2020 में हमारी शादी हुई है, 2020 के लास्ट में। तो हम घूमने गए थे, और ये बात है जनवरी 24 के, जिस दिन हमारे साथ ये हादसा हुआ, मतलब हम रिटर्न हो रहे थे गोवा से, वापस आए। तो गोवा से मुंबई हमारी फ्लाइट थी, फिर मुंबई टू वाराणसी थी। तो वाराणसी में हमारे जो ड्राइवर थे, मतलब वो ससुराल में इनकी गाड़ी थी क्रिएटा, बेबी मैं गलत बोल रही हूँ, पता नहीं क्या बोलते हैं उसे, क्रिएटा बोलते हैं पता नहीं क्या। तो वो गाड़ी थी इनके पास, मतलब मेरे हस्बैंड के पास। तो वो जो ड्राइवर थे वो मेरे ससुराल से आए हमें वाराणसी रिसीव करने। तो वो आए तो हम क्योंकि इनकी पोस्टिंग एमपी में थी, तो हमें एमपी जाना था, तो ससुराल मुझे जाना नहीं था। तो उन्होंने ड्राइवर को कहा कि तुम यहीं से घर चले जाओ, वापस इतनी दूर क्या करने जाओगे, हम जो है मैं गाड़ी ड्राइव करके एमपी लेके चला जाऊँगा। क्योंकि मेरा हमारी नई नई शादी थी, तो बहुत सारा सामान भी था, तो और इन्हें गाड़ी भी वहाँ लेके जानी थी एमपी में, तो बहुत सारी चीज़ें थी, तो गाड़ी लेके जाना ही था इन शॉर्ट इन्हें। तो अभी इन्होंने कहा कि ड्राइव मैं कर लूँगा, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन उस ड्राइवर को भी पता नहीं क्या था, उसने ये भी कहा कि नहीं नहीं भैया, मैं चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ और मैं वापस उधर से ट्रेन से आ जाऊँगा, लेकिन आप लोग सेफली चले जाएंगे। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं मैं चला जाऊँगा ऐसे वैसे, मैंने भी इनसे कहा, बट ये सुन नहीं रहे थे। कहते हैं ना कि जब होनी होने वाली होती है तो कोई शायद टाल नहीं सकता। तो फिर भी हम वहाँ से निकल गए एमपी के लिए। अब ऐसा था कि हमें एमपी से फिर अलाहाबाद में रुकना था, स्टे लेना था रात में, और घर वालों ने भी हमें सबने कहा था कि हमें स्टे लेना है, मतलब अलाहाबाद में रात में रुकेंगे फिर सुबह मॉर्निंग चलेंगे। फिर उन्होंने जिद किया कि नहीं नहीं हम लोग ना पहुँच जाएंगे, हाईवे है, ऐसे है वैसे है, निकल पड़ेंगे, अब रात में क्या इधर उधर रुकना, 2-3 बजे तक हम लोग अपने घर पर होंगे, मतलब एमपी वाले घर पर होंगे। तो हम लोग चलते हैं, कैसे भी हम लोग चलते हैं, अब यहाँ फालतू का रुकने का कोई मतलब नहीं है। वैसे भी 2 दिन तक, मतलब हमने अभी बाहर बहुत जर्नी वर्नी की है, तो अब रुकने का कोई मतलब नहीं बनता। तो कहा कि चलो ठीक है निकल जाते, हाईवे करते करते तो पहुँच गए, लेकिन उसके बाद रास्ता काफ़ी ख़राब हुआ। तो फिर भी इन्हें ना रात में काफ़ी ज़्यादा कहते, 2 दिन से हम सोए नहीं थे, क्योंकि एक दिन पूरा मुंबई एयरपोर्ट पे निकल गया और नेक्स्ट डे इन्होंने पूरी रात गाड़ी ड्राइव की। लेकिन बीच बीच में कहीं कहीं रुक रहे थे नैप लेने के लिए, छोटी छोटी सी, सो रहे थे, उठ रहे थे, फिर गाड़ी चला रहे थे, मतलब कहीं जैसे ढाबा वाबा पे रुक के फिर ऐसे चलाना। लेकिन वो बहुत ही खतरनाक था, और बहुत ही काफ़ी ठंड का टाइम था, मतलब कोहरा बिल्कुल मचा हुआ था, बिल्कुल कोहरा कोहरा था। रात होते रहते होते 24 जनवरी में कितना ठंड होगा आप समझ सकते हैं, ये 23 जनवरी की बात है, एक्सीडेंट के एक दिन पहले की, तो कितना ठंड होगा वो आप समझ सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ठंड भी था, काफ़ी ऐसा माहौल भी था। तो मतलब हम तो निकल गए रात में। अब इनको कई बार रात में झपकी आई, बहुत बार, लेकिन फिर भी सेफली हम कैसे एमपी पहुँच गए।
और मेरे घर वाले काफ़ी परेशान थे, कहते हैं माँ को हर चीज़ का आभास हो जाता है, तो मेरी मम्मी को भी काफ़ी आभास हुआ था। उस मम्मी रात भर उस दिन नहीं सोई, दो तीन चार बजे तक उन्होंने लगातार फ़ोन किया, कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो, पहुँचे कि नहीं पहुँचे कि नहीं। लेकिन अब मैंने देखा कि मम्मी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही हैं, तो मैंने झूठ बोल दिया कि हम पहुँच गए हैं, तीन बजे चार बजे तुम सो जाओ, ठीक है। मम्मी को भी लगा कि हम लोग पहुँच गए। अब उसके बाद क्या हुआ, अभी हम तो पहुँचने थे, हमारे घर में काफ़ी टाइम था, मतलब काफ़ी पहुँचने में अभी तीन चार घंटे और थे, पता नहीं क्या था रोड के कारण या किसी चीज़ के कारण बहुत काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू गूगल मैप हम उस पर तो नहीं थे, उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग को मैच भी नहीं कर रहे थे, तो काफ़ी टाइम लगा, तीन चार घंटे और थे। अब हम पहुँच ही रहे थे, अब सुबह का टाइम हुआ, अब सुबह में काफ़ी ज़्यादा हमें नींद, मतलब बहुत ज़्यादा नींद आना ऐसा हो जाता है, बहुत भयंकर वाला। तो अब हम ऑलमोस्ट MP पहुंच चुके थे, एंटर भी कर चुके थे, तो इन्होंने मुझसे गाड़ी में कहा कि लवली कितना टाइम बचा हुआ है घर पहुंचने में, तो हमने गूगल मैप में देखा तो 15 मिनट और शो कर रहा था, मतलब 15 मिनट के डिस्टेंस पे ही हम थे MP वाले घर से। तो अब 15 मिनट का सिर्फ डिस्टेंस बचा हुआ था, उसी दौरान इनको जोर से झपकी आई और मैं भी सो गई और गाड़ी, ये भी सो गए और गाड़ी बिल्कुल चल रहा है, और गाड़ी में बहुत सारा सामान, अब न्यूली वेड थे तो मेरा भी बहुत सारा सामान था, तो बिल्कुल मतलब आप कह सकते हैं कि गाड़ी बहुत ही भारी थी। और सामने से पता नहीं क्या हुआ, गाड़ी में सब कुत्ता आया या क्या आया, आई डोंट नो, उस टाइम कुछ सामने से आया और गाड़ी से एकदम से इनकी आँख खुलती है, इन्होंने गाड़ी ऐसे मोड़ा जोड़ा, मैं वो एक्सपीरियंस भी नहीं बता सकती, वो इतना बुरा एक्सपीरियंस था कि अभी भी मेरा मुझे ना गाड़ी में बैठने से बहुत डर लगता है, लेकिन फिर भी अब तो धीरे धीरे काफ़ी टाइम हो चला है तो मैंने बहुत मैनेज किया है, लेकिन डर मुझे अभी भी बहुत लगता है। तो उस दिन गाड़ी जो है हमारी कूद गई खाई में, मतलब एक खाई जैसी जगह ही थी, मतलब कह सकते हैं गाड़ी कूदी, गाड़ी ने राउंड लिया 1 2 3 4 5 और ऐसे ऐसे करके गाड़ी पूरा डाउन होते होते हम एक जगह जाकर बिल्कुल टकराए और गाड़ी रुकी, गाड़ी से बिल्कुल धुआं सा फेंकने लगा, लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी थी, शायद मेरे लक्ष्मी नारायण की मेहरबानी थी, मैं इनको बताऊंगी कि इन्होंने हमारी जान कैसे बचाई। तो शायद वो गाड़ी जो थी, हम मतलब गाड़ी से बिल्कुल धुआं निकल रहा है, अब मैं यही सोच रही हूँ कि भगवान मुझे कुछ भी हो जाए, इन्हें कुछ ना हो, क्योंकि एक तो ऐसा होता है कि अब नई शादी भी हुई थी और मैं चाह रही थी कि इन्हें कुछ ना हो, भले मुझे कुछ हो जाए। तो फिर गाड़ी में इतना छोटा सा जगह जो साइड वाला, सारा गाड़ी चारों ओर से लॉक हो गया बिल्कुल, और बिल्कुल हमें समझ नहीं आ रहा था गाड़ी से हम बाहर कैसे निकले, फिर इतनी सी जगह बची हुई थी, वहाँ से उन्होंने ऐसे हाथ से मारा, फिर वो बाहर निकले, फिर उन्होंने मुझे बाहर ऐसे उसी जगह से निकाला, मुझे लिटरली हम लोग को बहुत देर तक गाड़ी में ये समझ में नहीं आता, हम लोग को लगा ये धुआं निकल रहा है जैसे टीवी सीरियल्स और फिल्मों में हमने देखा है कि गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है, उस वक्त हमें यही लगा कि गाड़ी ब्लास्ट हो जाने वाली है और हम लोग अब ख़त्म। लेकिन कहते हैं कि उतने बुरे एक्सीडेंट के बाद अगर वो गाड़ी की अगर आप स्थिति देख रहे हैं, जैसा कि इस फोटोज़ में इमेज में आप देख रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं था, गाड़ी बिल्कुल टोटल डैमेज में चली गई। हम बाहर निकले, वहाँ बहुत सारे लोग, गांव वाले जो भी वहाँ के लोग थे वो इकट्ठे हो गए और उन्होंने बोला कि ये जो है, मतलब आप लोगों पर भगवान की ऐसी कृपा है कि आप लोग की जान बच गई और आप लोग बिल्कुल सही सलामत सुरक्षित, ना आप लोगों को एक खरोंच तक नहीं आया। और इधर जिधर साइड से ये ड्राइव कर रहे थे उसकी स्थिति आप देखेंगे तो बाप हॉरिबल है, और ऐसा ही नहीं, मतलब जिन्होंने भी हमें देखा, उस गाड़ी को देखा, सबने देखा, आपका बचना मतलब मुमकिन ही नहीं था। अब मैं बताती हूँ हमारी लक्ष्मी नारायण ने कैसे हमारी हेल्प की। दरअसल मैं वैभव लक्ष्मी का व्रत करती थी पिछले 6-7 सालों से, मेरी बहुत अटूट आस्था है, तो मैं अपनी लक्ष्मी के साथ अपने नारायण को भी रखती हूँ और दोनों की पूजा करती थी, तो बहुत ज़्यादा मेरी आस्था थी। तो मेरी एक मूर्ति थी मेरे लक्ष्मी नारायण की बहुत टाइम से, जिन पे मैंने वैभव लक्ष्मी का व्रत किया था, तो वो मूर्ति अब गाड़ी में तो बहुत सारी चीज़ें थी, सारी बिल्कुल वेल पैक्ड थे, अंदर से फोम वोम में भी चीज़ें थी। तो हम घर आए तो हमने देखा कि अंदर जो वो सब चीज़ें हैं ना टूट चुकी, मतलब घर आए तो मैंने सबसे पहले यही कहा, और जो मेरी लक्ष्मी नारायण की मूर्ति थी उस टाइम वो गाड़ी में ही थी, तो मैंने इनसे यही कहा कि यार मुझे लगता है ना कि वो लक्ष्मी नारायण वाली मूर्ति तो टूट गई होगी, क्योंकि वो तो
ऐसी एक बैग में डाला हुआ है, कोई कवर अप नहीं कुछ नहीं, और ऐसी मूर्ति भी नहीं थी कि वो टूटे ना, जैसे नॉर्मल मिट्टी की मतलब मूर्तियाँ होती हैं वैसी ही थी। तो हम जब वहाँ निकले, जब सबसे पहले मैं घर पहुँची, मैंने अपने लक्ष्मी नारायण का मूर्ति निकाला, तो मूर्ति पे एक खरोच नहीं था और नॉर्मल से कुछ भी नहीं था, मतलब कह सकते नॉर्मल एक बैग में डाला हुआ था, कैरी बैग टाइप का बैग में, नो पैकिंग कुछ भी नहीं, जैसे होता है फोम वोम से आप मूर्ति को ढक के ला रहे, वैसे नहीं, वैसी ही थी मूर्ति बिल्कुल हूबहू मेरी मूर्ति में, बिल्कुल एक खरोच नहीं था और हमारे शरीर पे भी एक भी खरोच नहीं था। तो मैं कहती हूँ कि जो हमारे साथ हुआ वो उन्होंने सिर्फ हमें ऊपर वाले ने बचाया, और आज तक मेरे ज़िंदगी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। अगर आप इस में भी आपको ये वीडियो पसंद आए और मैं अपने लाइफ से जुड़े ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत सारी लाइफ में ऐसी चीज़ें हुई हैं जब मैं बहुत प्रॉब्लम में होके निकली हूँ, और सिर्फ मेरे लक्ष्मी नारायण की वजह से, मेरे लड्डू गोपाल की वजह से। तो अब मैं बिल्कुल शॉक्ड थी कि मूर्ति को कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे तो कुछ नहीं था मूर्ति में, टूट सकते थे वो, और बाकी चीज़ें ना बहुत सारे मेरे शादी के बाद मैं घर यहाँ पे आ रही थी, तो मेरे साथ बहुत सारी ऐसे चिमनी मिट्टी वाली चीज़ें और कब बहुत सारे सेट्स थे, तो टूट गए, टूट चुके थे, बल्कि वो बहुत वेल पैक्ड थे, लेकिन मूर्ति को कुछ भी नहीं हुआ। तो बस मेरे ये वीडियो का शेयर करने का मतलब यही था कि मैं ये नहीं कहती कि वो तो मेरे लक्ष्मी नारायण थे, वैभव लक्ष्मी माँ थी, प्रभु हरि थे, प्रभु विष्णु थे, लड्डू गोपाल थे, जो भी जिस रूप में आप उन्हें पूछते हो, मेरे लिए वो थे। लेकिन आप जिन पे विश्वास करते हैं ना, उन पे विश्वास कीजिए, बस मुझे इतना ही मेरा कहने का ये वीडियो से मतलब यही था कि कोई कहता है कि भगवान नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, क्या डर, लेकिन वो आपको किस रूप में सहायक हो जाए आदिक ना, वो आप कह ही नहीं सकते, क्योंकि मतलब एक किस कोई गिर जाता है तो वो बहाना हो जाता है कि उसके ऊपर जाने का, या उसके साथ कुछ बड़ा इंसिडेंट हो जाता है, लेकिन हम खाई से हमें हमारे शरीर पे एक खरोच तक नहीं आया। और अगर अगर हम जीवित हैं, सही सलामत हैं, सुरक्षित हैं, तो वो सिर्फ भगवान की वजह से। और मैं एक और चीज़ आपको मेंशन कर दूँ, जहाँ पे हमारा गाड़ी टकराया वहाँ पे काफ़ी सारे लोग मॉर्निंग में बैठते थे, तो लोगों ने कहा कि रोज़ बैठते थे, लेकिन उस दिन वहाँ कोई नहीं बैठा था। अगर गाड़ी से वो टकराते तो हमें नहीं तो उन्हें तो ज़रूर चोट आती, या फिर उनके साथ कुछ भी हो जाता, लेकिन उनके साथ भी मतलब वहाँ पे कोई उस दिन लकीली कोई लोग नहीं बैठे थे। और अगर या तो अगर वो बैठे होते या उनके साथ गाड़ी लग जाती तो पता नहीं किस सिचुएशन में होते, हम किसी बहुत बड़े केस में फंस चुके होते, तो कुछ भी हो सकता था हमारे साथ उस दिन। लेकिन मेरे भगवान ने, मेरे लक्ष्मी नारायण ने बहुत बहुत सहायता की है, और शायद मैं कहती हूँ कि अब तो शायद जब तक जीवन है तब तक उनकी सेवा आराधना पूजा करते रहेगा। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि मैं मास्कॉम की स्टूडेंट हूँ और 4 साल मैंने मीडिया में काम किया है, लेकिन जो मैंने चीज़ें एनालाइज़ की हैं ना अपने लाइफ में, और जो चीज़ें भगवान ने बहुत सारे चमत्कार किए हैं, जो मैं आपको आने वाले समय में अपने वीडियोस के थ्रू ज़रूर बताऊंगी, कभी शेयर करूंगी, अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, तो मैं ज़रूर शेयर करूंगी वो बातें। तो सिर्फ और सिर्फ मेरे लक्ष्मी नारायण की वजह से आज मैं, मेरे पति सुरक्षित है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, जब जिन्होंने इंश्योरेंस कंपनी वाले आए, बहुत सारे लोग आए वहाँ पे, उन्होंने सबने पूछा कि इस गाड़ी में कौन था, तो इन्होंने बोला मैं था, आपके साथ कौन था, मेरी वाइफ थी, तो आप सुरक्षित हैं। आप कैसे सुरक्षित हैं, आपकी वाइफ को कुछ नहीं हुआ, उन्होंने बोला नहीं कुछ भी नहीं हुआ, वो भी सही सलामत सुरक्षित है। तो मुझे लगता है कि नया जीवन मिला है मुझे, और ये जीवन सिर्फ और सिर्फ मेरे लक्ष्मी नारायण की वजह से मिला है, और ऊपर वाले और बहुत बड़े बड़ों का आशीर्वाद तो हमेशा होता है आपके साथ, लेकिन मुझे लगता है कि लक्ष्मी नारायण नहीं होते, मेरे प्रभु नहीं होते, मेरी माता वैभव लक्ष्मी नहीं होती, प्रभु हरि नहीं होते, तो आज हम आपके सामने मैं नहीं होती और आपसे ये वीडियो नहीं शेयर कर पाती। तो आज मैं यहीं पर, अभी भी शायद कुछ चीज़ें मैं भूल रही हूँ आपको बताना, लेकिन अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए, क्योंकि मैं बस यही चाहती हूँ कि आपकी जिस पे भी आस्था है ना, आप उस पे बस वो आस्था रखिए, विश्वास रखिए, वो किसी रूप में भी आपकी मदद ज़रूर करते हैं, और कैसे भी वो आपके लिए सहायक हैं। लोग आज के समय में मानना या विश्वास करना, खैर बहुत सारी तरह की चीज़ें हैं, इस पर मैं बाद में बात करूँगी, लेकिन बस शेयर करने का यही माध्यम है कि लोग थोड़े लोगों का जो आज के समय में विश्वास डगमगाता है वो ना डगमगाए, वो हमेशा रहे, वो आपके लिए हमेशा रहेंगे। बस यही कहना चाहूँगी, आप
सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।